होमोजीनियस पार्ट लेके, और जो दूसरा पार्ट है ये हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स आता है, इसको हम कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स। व्हाई वी आर कॉलिंग फोर्स रिस्पॉन्स, वी आर बिकॉज वी आर फोर्सिंग इट टू थ्रू यू ऑफ टी, और ये वाला जो है ये बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन रिलैक्स्ड होगी, इनिशियल कंडीशन रिलैक्स होने का क्या मतलब है, इनिशियल कंडीशन रिलैक्स होने का मतलब है कि नॉन जीरो, जीरो इनिशियल कंडीशन है, और अगर जीरो इनिशियल कंडीशन है तो इसका मतलब है सिस्टम रिलैक्स है। तो अगर रिलैक्स इनिशियल कंडीशन है तो खाली यू ऑफ टी ये वाला पोर्शन काम करेगा और ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा। अगर इनिशियल कंडीशन भी रिलैक्स नहीं है और हम किसी इनपुट के साथ सॉल्यूशन को फोर्स भी कर रहे हैं, तो वी हैव बोथ सॉल्यूशंस, दिस होमोजीनियस पार्ट एंड देन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमारे पास अगर हमारे हम इसको स्टेट स्पेस की फॉर्म में देखें, स्टेट स्पेस इज x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो जो y है वो ये बन जाता है इन दिस सिस्टम C, which is a constant multiplier, C e raised to power a t, which is the homogeneous response, plus e raised to power a t minus tau b u of tau plus b u of t. अब ये वाला जो a of t है, इस वाले a of t को हम अंदर ले गए हैं, यानी कि integral के अंदर। जब integral के अंदर लेके जाएंगे तो हम उसको कहेंगे a e raised to power t minus tau. So this is simple first order a differential equation, जिसके अंदर होमोजीनियस और दूसरे पार्ट दोनों हो और उसका सोल्यूशन होता है। हमारा हायर ऑर्डर के लिए भी यही कंसेप्ट मल्टीप्लाई होता है, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू ऑफ टी। अब इसका सोल्यूशन लेना है तो अब इस सारी चीज को वेक्टर फॉर्म में देखें, वही सोल्यूशन बनेगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर ए टी एक्स ऑफ जीरो। ये जो सोल्यूशन है ये होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन और ये जो सोल्यूशन है ये पर्टिकुलर पार्ट का सोल्यूशन। मगर इसमें चेंज क्या है पिछले वाले में और इस वाले में, चेंज इसमें ये है कि इसमें हमारे पास ई रेस्ट पर ए टी एक मैट्रिक्स है। इस केस में ऊपर वाले केस में क्या था, ई रेस्ट पर स्मॉल ए ऑफ टी एक स्केलर था, यहाँ पे ये ई रेस्ट पर ए टी एक मैट्रिक्स है। ये ई रेस्ट पर ए टी कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ ए स्केल मैट्रिक्स के थ्रू, जो पिछले हफ्ते हमने कवर किया था। This e raised to power at is not an ordinary exponential. This e raised to power at is a matrix, exp m of at. ठीक है, ये उस तरह निकलेगा। और इसी का जब हम स्टेट स्पेस सॉल्यूशन y के लिए निकालेंगे तो y क्या करता है, x यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y is, यहाँ पे तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y में सॉल्व नहीं हो रही, y is c टाइम the solution of x of t plus d टाइम u of t। तो हमारे पास जो y आ जाएगा वो y ये है, इट इज दिस सी टाइम्स ई रेस्ट एक्स ऑफ टी प्लस दिस सी अगेन इज मल्टीप्लाई हियर अगेन सी टाइम्स ई रेस्ट पावर ए टी माइनस टॉ बी यू ऑफ टॉ। हियर दिस एक्स ऑफ जीरो इज अ वेक्टर, लेट मी क्लैरिफाई हियर दिस थिंग, दिस एक्स ऑफ टी इज अ वेक्टर हियर, दिस यू ऑफ टी इज अ वेक्टर हियर, दिस ई रेस्ट पावर ए टी इज अ मैट्रिक्स हियर, दिस ई रेस्ट पावर ए इज अ मैट्रिक्स, सी इज अ मैट्रिक्स, D is a matrix and U of T is a vector. So this solution all goes like that. ठीक है जी, और हम इसको आगे चलाते हैं। तो this solution is basically solution of a differential equation, state space differential equation. इस solution को हमने implement करना है MATLAB में, ठीक है जी। MATLAB की command भी हो सकती है, और but this is a solution implementation and Simulink. तो अभी मैं सिमुलिंक भी खोलता हूं और आपको दिखाता हूं, बट ये सिमुलिंक की तस्वीर है। तस्वीर क्या कह रही है कि आपने सिमुलिंक में ये सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करना होता है। सॉल्यूशन अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज इंप्लीमेंट हुई भी है, यहाँ पे हमारे पास एक्स डॉट इंप्लीमेंट आ रहा है, एक्स डॉट बल्कि ये लिखा भी हुआ है, लेट्स मूव हियर दिस एक्स डॉट, मैं इसको यहां से लेता हूं टेक्स्ट की बजाय स्मॉल। This x dot is basically this x जो ऊपर से आ रहा है। अब इस x dot के आगे मैंने एक integrator लगा दिया, तो यहां पर integrate हो क्या क्या चीज मिल रही है, x मिल रहा है। जब मैं integrator को double click करूंगा तो मुझे अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी x of zero की,
किसकी देनी पड़ेगी वैल्यू, एक्स ऑफ जीरो की, लिखा होगा इनिशियल कंडीशन, एक्स ऑफ जीरो की मैं वैल्यू दूंगा और आगे हमारे पास ये जो है एक्स, तो एक्स इज ए एक्स, तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है मल्टीप्लाई होके ए टाइम्स एक्स, और यहाँ पे क्या चीज मल्टीप्लाई होके आ रही है बी टाइम्स यू, ये यहाँ पे तो ए एक्स प्लस बी यू गोज टू वेयर, एक्स ऑफ डॉट, ये एक्स ऑफ डॉट क्या चीज है ए एक्स प्लस बी ऑफ यू, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई भी है ए एक्स प्लस बी ऑफ यू की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। अब ए एक्स प्लस बी यू क्या चीज है एक्स डॉट है, एक्स डॉट इज ए टाइम्स एक्स प्लस बी टाइम यू, और इंटीग्रेट होके क्या मिल रहा है एक्स, और वाई क्या है सी टाइम्स एक्स प्लस डी टाइम यू, तो ये आपके पास सोल्यूशन मिल रहा है किस चीज का इम्प्लीमेंट होके, आउटपुट वेक्टर मिल रहा है वाई किस चीज का आपको मिल रहा है आउटपुट, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। मैं लेट मी सी दिस थिंग, इन्होंने लेट मी गो थ्रू फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक, ये जो मैंने बाकी चीज पढ़ाई ये मैंने एक और बुक से पढ़ाई, और ये मैं टेक्स्ट बुक में आपको यही चीज वाजे करता हूँ कि हमारी टेक्स्ट बुक ने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज को चलाया है। सॉल्यूशन ऑफ एलटीए सिस्टम, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, अगेन नोटिंग दिस थिंग दैट ई रेज़ टू पावर ए टी, ई रेज़ टू पावर ए टी इज नॉट ए स्केलर, e raised to power at is a matrix, so d by dt, ye pichle hafte maine property padhi thi, d by dt e raised to power at is a times e raised to power capital a of t, ya e raised to power at into capital a, means these are the matrices, e raised to power at ko dono side pe post multiply karte hain, ye usne iska solution yani ki iska solution nikalne ke liye ek tarika kiya hai ki e raised to power a minus a of t ko x dot ke sath multiply karte hain, minus e raised to power at aa jayega, ye वाला x of t वाला पोर्शन हम कंबाइन कर लेंगे, e रेस पर माइनस ए टॉट t जीरो टू t, और दूसरी तरफ पे ये आ जाएगा, और e रेस पर a माइनस टॉट x of t e रेस पर माइनस a जीरो e जीरो x of जीरो x of e रेस पर जीरो, ये वाला जो होता है ये हमने पिछले दफा पढ़ा था कि दिस थिंग इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड e रेस पर माइनस a टॉट b टॉट b u of t d टॉट, दोनों साइडों पे e रेस पर ए टी द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो x ऑफ t इज इक्वल टू e रेस पर ए टी x ऑफ 0 प्लस 0 टू t e रेस पर ए टी माइनस टॉ बी यू ऑफ टॉ, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन किस चीज का है जी, इसका हमारा पहली डिफरेंस आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 0, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है एट t इज इक्वल टू 0, और दिस इज ऑल्सो कॉरोलैक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसने किया, और उसको वो कहता है कि अगर हम इनिशियल कंडीशन को प्रूफ भी करें तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन प्रूफ होती है। ये चीज थोड़ी सी आगे दोबारा आ रही है। अब x of t is equal to ax plus bu of t, y of t is equal to c e raised power x of t at x of 0 plus c times e raised power at minus tau bu of tau du of t। इसी सारी चीज को यानी इसी सॉल्यूशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ भी कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वेक्टर है एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस ए एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस। जी इरफान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा काइंडली फिर वो माइक म्यूट कर ले, क्योंकि मुझे इंडिकेशन आती है तो मैं इसलिए समझता हूँ। यही चीज है x of x उसने कंबाइन कर लिया एस आई माइनस ए इनवर्स x ऑफ जीरो प्लस बी यू ऑफ एस, और कंबाइन करके वी कैन डू दिस थिंग। तो दिस इज y ऑफ s इज डिवाइडेड बाय d ऑफ s इज बेसिकली g ऑफ s, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। e रेस पर ए टी का लाप्लास ये हमने पिछली दफा भी देखा था, लाप्लास e रेस पर ए टी इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे जो उसने ये बात की कि ए मैट्रिक्स का बाद का सॉल्यूशन निकालना है वो मुश्किल होता है, तो हम ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू ए टिल्डा क्यू इनवर्स, ए टिल्डा इज द बिग लैम्डा मैट्रिक्स, ठीक है, ए क्यू ए बिग लैम्डा मैट्रिक्स क्यू इनवर्स, और ई रेस्ट पर ए टी इज बेसिकली क्यू ई रेस्ट पर ए टिल्डा टी इंटू क्यू इनवर्स, यानी कि प्री एंड पोस्ट आइगन वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और वो पीछे खाली फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स ई रेस पर ए टी ई रेस पर ए लैम्डा टी पे अप्लाई हो जाएगा।
एटी इज लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स। अब ये उसने सोल्यूशन बताया कि हाउ वी के, दिस इज एन एग्जांपल, टेक इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इनवर्स, अप्लाई थ्योरम 3.5, ये इसको कर लें और यूज करें, ये उसने एक सोल्यूशन करके बताया। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको मजीद भी कराऊंगा। ए इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, वन माइनस वन माइनस टू, और ये एस आई माइनस ए इनवर्स, ये फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ भी आप निकाल सकते हैं। और फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, दिस दिस थिंग एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एस आई माइनस एस माइनस लैम्डा इनवर्स। तो अब इसकी उसने आइगन वैल्यू निकाली, माइनस वन दोनों आइगन वैल्यू रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। एफ ऑफ माइनस वन इज एच ऑफ माइनस वन विच इज एस प्लस वन इनवर्स बी नॉट माइनस बीटा, बीटा नॉट माइनस बीटा वन। एक दफा प्राइम लिया यानी एफ ऑफ लैम्डा का भी प्राइम लिया और प्राइम के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो एफ ऑफ प्राइम अगर वो करेंगे तो बीटा के भी यानी कि एच ऑफ लैम्डा के भी प्राइम लेना पड़ेगा, उसका प्राइम लेंगे तो बीटा नॉट चला जाएगा, तो एस माइनस एस प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू बीटा वन। और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे पुट करेंगे तो एच ऑफ लैम्डा इज दिस थिंग एस माइनस ए इनवर्स बेसिकली एच ऑफ ए, और वो कॉफिशियंट को पुट करेंगे तो दिस बिकम दिस थिंग। यही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को वो कहता है कि ई एस माइनस ए इनवर्स करने की बजाय आप ई रेस्ट पर ए टी के सोल्यूशन के साथ उसको सॉल्व करें। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पर ए टी एक्स ऑफ जीरो प्लस जीरो टू टी ई रेस्ट पर ए टी माइनस टॉ बी ऑफ यू ऑफ टॉ। तो इस सोल्यूशन के साथ करें तो ई रेस्ट पर ए टी यानी कि उसका लाप्लास इनवर्स ले लें या फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नया से खुद निकाल के ले लें, इट इज द वन एंड द सेम थिंग। एक्स ऑफ टी इज बेसिकली e रेस टू पार ए टी, दिस इज e रेस टू पार ए टी प्लस जीरो टू टी बी यू ऑफ टी, और ये उसने उसको लिखा। e रेस पार ए टी करने के लिए एक तरीका आपके पास ये भी है, q आइगन वैल्यूज के साथ और q इनवर्स, और आप इस तरह भी ये कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू दीज नोट्स अ लिटिल बिट ताकि हम इसको मजीद क्लैरिफाई के साथ करें। यहाँ पे यही है कि x dot is equal to ax plus b u of t, y is equal to cx of t, cx of t, और d of u of t, x of t को हमने e रेस पर at पे लेके जाना है, माइनस प्री प्रोस मल्टीप्लाई, ये वही चीज दोबारा है। यहाँ पे e रेस पर at इज दिस थिंग, यहाँ मैं जो वाजे करना चाह रहा हूँ जो उसने स्टेप जल्दी में किया है, e रेस पर ए टी, आप ये लाप्लास इनवर्स के साथ आए हैं या e रेस पर ए टी का एक अलहदा से आपने फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, उसे सॉल्व किया है, बेटर इज सॉल्व विद दिस थिंग। अब e रेस पर ए टी माइनस टॉ क्या चीज है, e रेस पर ए टी माइनस टॉ इज बेसिकली जहां जहां टी लिखा है वहां पे टी माइनस टॉ कर दें। अब वन प्लस टी है तो वन माइनस टी माइनस टॉ कर दें, अब माइनस टी लिखा है तो माइनस टी माइनस टॉ कर दें, अब माइनस टी लिखा है तो माइनस टी माइनस टॉ कर दिया, और इस माइनस टी की जगह माइनस टी माइनस टॉ कर दिया, अब इस टी की जगह पे फिर टी माइनस टॉ कर दिया, यहाँ पे टी माइनस टॉ कर दिया, वन माइनस टी माइनस टॉ और टी माइनस टॉ, यानी कि जहां जहां टी लिखा है उसको टी माइनस टॉ के साथ रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या बन जाता है, ई रेस पर ए टी माइनस टॉ बन जाता है। अब आप कहते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ई रेस पर ए टी एक्स ऑफ जीरो जीरो टू टी ई रेस पर ए टी माइनस टॉ बी यू ऑफ टॉ, और दिस इज योर सोल्यूशन। B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई होगा, B था 1 0, ठीक है, यहाँ पे ऊपर था B 1 0, B था इस क्वेश्चन में B था 1 0, ये 0 1, सॉरी B इज 0 1, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, ये वाली चीज पे मैं इंटीग्रेशन वाली चीज पे दोबारा आऊंगा, इसके लिए मैं दूसरी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले मैट्रिक्स सॉल्व करें, क्यों, ताकि आपको इंटीग्रेशन कम करनी पड़े। आपने ई रेस्ट पर ए टी माइनस टॉ को 0 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ई रेस्ट पर ए टी माइनस टॉ है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार कंपोनेंट्स हैं। ई रेस्ट पर ए टी माइनस टॉ को जब आपने मल्टीप्लाई किया 0 1 के साथ तो चार की बजाय 2 टर्म्स रह गई, अब आपके 2 टर्म्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वही सोल्यूशन है कि अगर आपने इसी सोल्यूशन को लाप्लास इनवर्स के साथ करना है, एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स जीरो, और ये वो जो उसने जल्दी में किया उसका थोड़ा सा मैंने स्टेप मिस नहीं किए, यहाँ पे एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ऑफ जीरो प्लस बी ऑफ जीरो
y of s c s I minus a inverse x of 0 b of u 0, and this g of s transfer function is c s I minus a inverse b plus d. We'll come back to solution of linear time invariant solution. Some quick things you will have to understand. Equivalent state space realization. The two systems equation are said to be zero state equivalent if they have the same transfer matrix. अच्छा ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में ये meeting खत्म हो जाएगी. I will send you re-invite. Please join back. There's a time limit of 40 minutes here now. ठीक है, तो वो 40 मिनट्स का टाइम पूरा हो जाएगा, तो यू हैव टू ज्वाइन बैक मीटिंग अगेन. तो इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस इक्वेशन जो है, द टू स्टेट्स इक्वेशन आर सेट टू बी जीरो स्टेट इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ट्रांसफर मैट्रिक्स सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. हमें स्टेट स्पेस इक्विवेलेंट ले लेता हूं, उसका एक डिफरेंट सिस्टम ले लेता हूं जिसमें जिसको इक्विवेलेंट सिस्टम कहते हैं. वो सिस्टम इक्विवेलेंट तब होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टम इक्विवेलेंट कब होता है? सिस्टम इक्विवेलेंट तब होता है जब ये चीज होल्ड करती है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी, वेयर सी बार ए बार बी बार डी बार मींस दीज आर टू डिफरेंट लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम्स. ये ए मैट्रिक्स और है, ये ए मैट्रिक्स कुछ और था, ये बी मैट्रिक्स कुछ और था, ये सी मैट्रिक्स कुछ और था, ये डी मैट्रिक्स कुछ और था. और यहाँ पे इसी तरह ये वाले जो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स फर है, ये सी बार कोई और मैट्रिक्स है, ये ए बार कोई और मैट्रिक्स है, ये बी बार कोई और मैट्रिक्स है, ये डी बार कोई और मैट्रिक्स है. मगर हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस रियलाइजेशन है. व्हाई दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस रियलाइजेशन? कि इनका ट्रांसफर फंक्शन इक्विवेलेंट है. ट्रांसफर फंक्शन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? y of s divided by u of s which comes out to be c s i minus a inverse b plus d. ये निकलता है ना ट्रांसफर फंक्शन. दोनों का ट्रांसफर फंक्शन अगर इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस रियलाइजेशन है. द टू लीनियर टाइम्स इनवेरिएंट स्टेट इक्विवेलेंट जब ए बी सी डी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स आर जीरो स्टेट इक्विवेलेंट, यानी इनिशियल कंडीशन उनकी सेम हो तो सेम रिस्पांस देंगे. जीरो स्टेट इक्विवेलेंट, दे हैव सेम ट्रांसफर मैट्रिक्स इफ डी बार इज इक्वल टू डी डॉट डी, यानी कि दोनों का डी मैट्रिक्स तो सेम होना जरूरी है ना. यहाँ पे तो आप देख लेंगे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी शुड बी इक्वल टू सी एस आई सी बार एस आई ए बार बी बार, मगर इसको तो आप इक्वेट किसी और से नहीं कर सकते, तो डी इंटू डी बार ये तो दोनों सेम होने चाहिए. लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं जी डी एंड डी बार आर जीरो, तो तब भी सेम है. तो अगर ये सेम है तो सी ए रेस टू पार एम बी सी बार ए बार रेस टू पार एम बी बार ये इक्विवेलेंट स्टेट पे आ जाते हैं. हमने एक चीज पढ़ी थी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म, नाउ वी आर वो हमने सिर्फ मैट्रिक्स ए पे पढ़ी थी, नाउ वी आर सीइंग द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म इन फुल फॉर्म. लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर एक्स है, वेक्टर एक्स इज हियर दिस वेक्टर एक्स. हम उस वेक्टर एक्स को किसी और तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ. मैं अभी एग्जाम्पल भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक्स बार के साथ. एक्स बार इज इक्वल टू पी, हम एक मैट्रिक्स पी लेके आते हैं जो कि पी मैट्रिक्स इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. यानी कि हमारे चॉइस ऑफ वेरिएबल क्या थे? हमारे चॉइस ऑफ वेरिएबल थे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर. हमें किसी वजह से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर पसंद नहीं है, हमें पसंद है एक्स वन प्लस एक्स टू, हमें पसंद है एक्स टू प्लस एक्स थ्री, या हमें जी वन जी टू जी थ्री जी फोर पसंद है. मगर जिनको हम जी वन को एक्स टू कह सकते हैं, जी टू को एक्स टू प्लस एक्स थ्री कह सकते हैं, कोई ना कोई लीनियर रिलेशनशिप बना सकते हैं दो स्टेट वेक्टर वेरिएबल्स के साथ. एक मॉडल लेट से मैं कहता हूँ, एक मॉडल एक स्टूडेंट ने किया, उसी मॉडल को दूसरे स्टूडेंट ने भी किया. एक ने वेरिएबल की चॉइस रख ली थीटा थीटा डॉट एक्स एक्स डॉट, दूसरे ने चॉइस रख ली एक्स एक्स डॉट थीटा थीटा डॉट. अब दोनों का है तो सेम, इट इज द सेम थिंग फॉर बोथ. बोथ सेम थिंग क्यों है? कि मॉडल तो एक ही था, पर एक का जी वन थीटा वन है, एक का जी टू थीटा एक्स वन है. तो थीटा थीटा वन थीटा टू एक्स वन एक्स टू,
चॉइस ऑफ वेरिएबल चेंज हो गई। अब आपको दोबारा से नए सिरे से मॉडल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज टू चूज दिस मैट्रिक्स पी के जो दो वेरियस स्टेट वेक्टर के दरमियान लीनियर वेरिएशन लेके आ जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाए, नॉट वेरिएशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्स डॉट लिया जाए तो एक्स डॉट इज ए बार, यानी कि इस वाले चॉइस ऑफ वेरिएबल में ए बार एक्स बार बी बार यू ऑफ टी होगा, क्योंकि यू ऑफ टी तो इनपुट है वो तो सेम होगा और वाई ऑफ टी आउटपुट है वो भी सेम होगा। वाई ऑफ टी इज सी बार एक्स बार बी यू बार, तो यहाँ पे एक्स ए बार इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स, बी बार इज इक्वल टू पी बी सी बी, इसी तरह ये निकलेंगे। यहाँ पे उसने इसको जो इक्विवेलेंस, मैं ये डिस्क्रीट वाला पोर्शन छोड़ देता हूँ, अभी हमने बताया कि डिस्क्रीट वी आर नॉट डूइंग डिस्क्रीट इन दिस कोर्स, इक्विवेलेंट स्टेट स्पेस इक्वेशन। तो ये कहा कि यहाँ पे एक्स बार, अब ये वाला जो सिस्टम है एक्स वन डॉट इज इक्वल टू जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन एक्स वन एक्स टू वन जीरो, तो ये नई चॉइस ऑफ वेरिएबल्स के साथ, ये जो नए चॉइस ऑफ वेरिएबल इसने लिए हैं इन चॉइस ऑफ वेरिएबल के साथ एक्स वन डॉट बन जाता है माइनस वन वन और एक्स टू बन जाता है माइनस वन जीरो एक्स वन एक्स और यू बन जाता है वन वन और वाई था जीरो वन और वाई बन गया जी वन माइनस वन। तो ये एन डिमेंशनल सिस्टम के लिए ये चॉइस पॉसिबल है कि आपका यू जो था वो इस तरह और एक्स वन डॉट इस तरह लिखा हो, इन दोनों को सॉल्व करके उसने एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट को, एक्स वन डॉट को यू लिखा, एक्स वन डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू और यू को की जगह उसने पुट पैक किया, तो एक्स टू डॉट जो है माइनस एक्स वन प्लस यू, तो नई चॉइस ऑफ वेरिएबल्स। ये उसने एग्जाम्पल बताई है कि हाउ सम पीपल चूज दिस वे एंड सम पीपल चूज दिस वे, तो ये वही इक्वेशन लिखी हुई है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए बार एक्स बार बी बार। तो जब आप पुट करते हैं तो ए बार इज पी ए पी इनवर्स, बी बार इज इक्वल टू पी बी, सी बार इज इक्वल टू सी पी इनवर्स एंड डी बार इज इक्वल टू डी। ये एग्जाम्पल बिफोर गोइंग टू दिस थिंग लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम आवर फ्रेडलैंड बुक, मैं उसकी वहां से एक एग्जाम्पल है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाउ दिस एग्जाम्पल चेंज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कम इन टू प्ले। तो फ्रेडलैंड की बुक में हम जाते हैं जी, फ्रेडलैंड की बुक में